गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केटीसीसी क्लासेस में। आज हम देख रहे हैं थ्योरम 1.4, और थ्योरम 1.4 में है रूट 2 इज इरेशनल। तो इसको हमें प्रूफ करना है, क्योंकि आने वाले क्वेश्चनों में सबसे ज़्यादा इसी थ्योरम की जरूरत पड़ेगी, और ये क्लास 10th का है। तो लेट अस एज्यूम डैट कॉन्ट्रेरी डैट रूट 2 इज इरेशनल, यानी कि हमें रूट 2 इज इरेशनल प्रूफ करना है, लेकिन हमें रूट 2 रेशनल मानना पड़ेगा, बिना मानने के ये सॉल्व नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूट टू इज इक्वल टू ए अपॉन बी। ए अपॉन बी का मतलब है रूट ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनका ऐसे 1 आता है, यानी कि इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है। तो हम इसको रूट टू के बराबर लिख सकते हैं। अब रूट टू के बराबर लिखने के बाद क्या होगा, ये बी नीचे है तो ये कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो बी के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा यहाँ पर, और ये ए यहाँ पर रहेगा। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड करेंगे, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2, और ये बचा बी स्क्वायर, और यहाँ पर ए स्क्वायर हो गया। अब इससे हमें पता चलता है कि ए स्क्वायर के फैक्टर क्या है, ये भी ए स्क्वायर का फैक्टर है और 2 भी ए स्क्वायर का फैक्टर है। ए स्क्वायर हम तो लिख सकते हैं, स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब ये होता है, अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी स्क्वायर का डिविजिबल होता है, तो उसके सिंपल वेरिएबल से भी वो नंबर डिविजिबल होगा। जैसे ए स्क्वायर का डिविजिबल 2 है, तो ए का भी डिविजिबल 2 होगा। तो हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू 2, और एक नंबर हम और लेते हैं वेरिएबल सी, तो ए इज इक्वल टू 2 सी हम लिख सकते हैं इसको। सी क्या है, सी इज एनी इंटीजर, सी क्या है, एक इंटीजर है। इसके बाद क्या करेंगे, हम ए की वैल्यू यहां से पुट करेंगे, तो ए की वैल्यू क्या है, 2 बी स्क्वायर। यहां से हमने देखिए ए की वैल्यू होगी 2b है, तो स्क्वायर लगा दिया हमने, और 2c क्या, किसकी वैल्यू 2c, तो 2c की जगह 2c रहेगा, और यहां पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2 ही रहेगा, ये तो 2b स्क्वायर, और इसके पूरे पे था ये, तो ये हो जाएगा 4c स्क्वायर। अगर हम 4 को नीचे लाएंगे तो ये कट जाएगा, 2 2 जा 4, तो हमारा क्या बचा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब यहाँ पर इस थ्योरम से हमें क्या पता चला है, इक्वेशन जो हमारी आई है, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, यानी कि जो ये हमारा बी स्क्वायर है, ये भी हमारा 2 से डिविजिबल है, तो ये प्राइम नंबर है 2, तो बी क्या होगा, बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। तो बाय फर्स्ट एंड सेकेंड फॉर्म ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर, तो ए और बी में हमारे क्या आ रहे हैं, दोनों कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, और दोनों देखो यहां भी हमारा बी का फैक्टर 2 आया है, और ऊपर भी हमने करा था तो ए का फैक्टर भी 2 आया है, तो दोनों का फैक्टर क्या है, 2 है। तो लेकिन हमने शुरू में देखा था क्वेश्चन क्या है, रूट 2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी है, तो यहां तो कोई 2 का फैक्टर हो नहीं रहा, तो यानी कि गलत हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन मतलब ये जो हमने माना था वो गलत है, इज अराइज बिकॉज ऑफ अवर इनकरेक्ट, जो हमने माना था वो इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट एजप्शन। तो ये इतना ही हमें इसमें प्रूफ करना है, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो अभी दोबारा से इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, और यहाँ हमारा प्रूफ हो चुका है कि रूट 2 हमारा इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। जो रेशनल नंबर होते हैं वो हमारे वन अप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, और इरेशनल नंबर में ऐसा नहीं होता है, वो रूट 2 होते हैं, या जिनके परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते वो होते हैं आपके इरेशनल नंबर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।